फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताते हैं काली गाजर की बर्फी बनाना। इससे पहले हम आपको हलवा बता चुके हैं काली गाजर का, जो कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। ये मार्केट में बहुत कम देखने को मिलती है। आपको हलवा ज़रूर मिलेगा पर इस टाइप की बर्फी नहीं मिलेगी। तो आप इसको देखिए, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो शायद आपका ना बन पाए ये बर्फी। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो हमारा देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आई तो। क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन को ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप लोग मिस ना करें। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम ब्लैक वाली कैरेट। जो काली वाली गाजर होता है, एक तो लाल वाली होती है, ये काली वाली गाजर है। इसका हलवा हम पहले रेसिपी में डाल चुके हैं, ये आपको बाज़ार में मिल जाएगी। इस समय इसको हमने खूब साफ से धो लिया है और ये कॉर्नर निकाल लिए हैं और इस तरीके से इसको कद्दूकस कर लिया धोने के बाद और छन्नी से छानकर इस तरीके से एक बाउल ले लिया है। 500 ग्राम है ये। इसके अलावा हमें ये 250 ग्राम गुड़ चाहिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स चाहिए, इसमें हमने काजू और बादाम लिया है। मिल्क पाउडर 2 चम्मच, कोई भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। और ये गरी का बुरादा है, 2 चम्मच लगभग है। 2 चम्मच देसी घी और थोड़ी सी इलायची हमने पीस लिया है और दूध जितना भी लगेगा उस हिसाब से हमने 1 ग्लास ले लिया अभी। अब यहाँ पर हम एक पैन चढ़ाते हैं और गैस को ऑन करते हैं और इसमें जो हमने कद्दूकस किया हुआ था गाजर वो डाल देंगे। जब तक इसका पानी सूखता है ये, तब तक हम इसको खूब अच्छे से चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने डाल दिया। क्योंकि गाजर घिसने में थोड़ा इसका पानी रहता है तो वो जब तक ये सूख जाएगा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। 5 से 10 मिनट तो लगते हैं आराम से। ये देखिए इसका पानी लगभग छूट गया है ये। अब हम इसमें घी मिलाएंगे, थोड़ा 1 चम्मच इसमें हमें घी डालना है। अब इसको खूब अच्छी तरह से और चलाना है, इसको भून लेना है घी के साथ। हमें गैस का फ्लेम मध्यम रखना है, मतलब मीडियम रखना है, तेज आंच पर इसको हमें नहीं भूनना है। देखिए घी डालने से इसमें कितनी अच्छी शाइनिंग आ जाती है। हम पहले इसका गाजर का ब्लैक कैरेट का हम हलवा डाल चुके हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से घी डालने से भुन रहा है और इससे क्या होगा कि आपने हमने पानी जो सुखाया है इससे गाजर गल भी जाएगी और भुन भी जाएगी, पानी भी उसका निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, लगभग भुन गया है हमें, इसमें 5 मिनट लगाया लगभग। अब हम इसमें दूध डालेंगे, 1/2 ग्लास दूध डाला है हमने। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा और डालेंगे। ये लगभग पूरा 1 ग्लास दूध पड़ गया है मेरा। अब साथ में ही जो मिल्क पाउडर हमने लिया था वो डाल देंगे और बराबर इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे, नहीं तो मिल्क पाउडर ये इसकी गुलटी पड़ जाती है। मिल्क पाउडर डालने के बाद 2 मिनट इसको चलाएंगे और फिर हम इस गुड़ को डाल देंगे इसमें। आप चाहिए तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं पर हम गुड़ डाल रहे हैं। चीनी भी डालेंगे तो आप 250 ग्राम डालेंगे, अगर आपको तेज़ मीठा खाना है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं।
को आपको बिल्कुल धीमी आंच में गुड़ को पकाना है। आप इसको नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, चाहिए तो कढ़ाई में बनाइए, लेकिन गुड़ वगैरह नॉन स्टिक पैन में जलता नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा इस तरीके से गुड़ की चाशनी में इस तरीके से ये बन गया, सूख गया है बिल्कुल। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। ये इलायची हम जो हमने ली थी वो इसी में डाल देते पहले और एक मिनट चला देते। एक इस तरीके से आप ट्रे ले लीजिए या थाली, उसमें इस तरीके से निकाल के ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इस प्लेट में हमने डाल दिए ट्रे में। इसको 4 से 5 घंटे कम से कम ये ठंडे होने में लगेगा, जमने में बर्फी। अब इसके ऊपर हम ये जो हमने गरी का बुरादा लिया था वो इस तरीके से डाल सकते हैं। ये देखिए थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी हम इसी में डाल देंगे। और इसको गरम में ही इस तरीके से दबा देंगे ताकि जब हम बर्फी काटें तो ये ड्राई फ्रूट्स निकले नहीं बाहर। तो देखा फ्रेंड्स, हमारी इस तरीके से ब्लैक कैरेट की बर्फी। इसको चाहिए तो आप लड्डू भी बना सकते हैं इसका। वैसे हम पहले हलवा इसका बना के डाल चुके हैं, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। इसको 4 से 5 घंटे हम रेस्ट करने देते हैं, जब जम जाएगी तब हम कट करेंगे इसको। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारी ये बर्फी सेट हो चुकी है। अब इसके इसको कट करते हैं। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम प्लेट में निकाल लेते हैं सारी। हाँ तो फ्रेंड्स, देखा हमारी ये काली गाजर की बर्फी, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसको एक बार आप लोग ज़रूर बनाइए और बहुत अच्छी लगती है। इस मौसम में आपको काली गाजर आराम से मिल जाएगी और आप इसको सेव भी कर रख सकते हैं फ्रीज़र में। तो आप इसको बनाइए एक बार, हमें कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसी लगी। और एक बात आपसे और कहनी है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि हमारी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिले। थैंक्स।